सक्षम डांस अकादमी द्वारा आयोजित नृत्यों किड्स फैशन प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। डांस प्रतियोगिता अल्मोड़ा की अर्णिमा ने तथा किड्स फैशन प्रतियोगिता बागेश्वर की हिमांशी शाह ने जीती है। विजेता प्रतिभागियों को शील्ड के साथ नगद धनराशि भी प्रदान की गई। विधायक सुरेश गड़िया, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। विधायक व जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है, साथ ही बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए ऐसे आयोजन मददगार होते हैं। आयोजन अकादमी के संजय थापा, जगदीश नारायण, अर्जुन थापा ने सभी प्रतिभागियों तथा अतिथियों का आभार जताया। करना चाहती हूँ कि उन्होंने बागेश्वर में बच्चों के इस हुनर को पहचान कर उनको एक तराशने का काम किया है। अपने टाइप की एक पहली एकेडमी है जो बच्चों के हुनर को पंख देने का काम कर रही है। बहुत बधाई के पात्र हैं बच्चों से मेरा बच्चे भी बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे स्टेज पर आके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बूस्टअप होता है, उनमें जो शर्मिलापन है वो निकलता है और वो अपनी अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं और
कोई भी वो जैसे मोबाइल में घूमते रहते हैं या फिर कंप्यूटर में आजकल, उससे दूर होके एक थोड़ा सा उनकी हॉबी भी क्रिएट होती है, तो ये बच्चों के लिए एक आउटडोर एक्टिविटी है और उसमें बहुत अच्छा ये प्रयास है। सक्षम समिति और सक्षम डांस अकादमी के तत्वावधान में आयोजित उत्तराखंड के हुनरबाज का आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसमें डांस व किड्स फैशन शो का आयोजन हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार 11,000 व द्वितीय पुरस्कार 6,000 की धनराशि यहाँ पर रखी गई थी। और यहाँ पर हमारे क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी महोदया का हमको यहाँ पर सहयोग मिला और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और डांस में जो फर्स्ट विनर रही वो अल्मोड़ा से अरनिमा रही, और किड्स फैशन शो में जो विनर रही बागेश्वर से हिमांद्री शाह। मैं सभी विजेता प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं। Let's go.
इस सक्षम डांस ग्रुप के द्वारा एक बहुत ही सुंदर और जो इतिहास बनाने वाला जो काम है, फैशन शो के साथ साथ डांस भी यहाँ पर किया जा रहा है और हमारे दूर दराज के गांव के लोग इस फैशन शो में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तो कहीं दिल्ली बॉम्बे से कम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए यह अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है, सुंदर है और ऐसे आयोजन टाइम टाइम पर होते रहने चाहिए जिससे कि बच्चों की हेजिटेशन वो समाप्त हो और बच्चे खुल के जो काम है, जो संगीत है, जो वाद्य है उसको सीख सके और दूर दराज के गांव के लोग जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके इस बागेश्वर जिले में आए हैं तो वो सपना भी उसका साकार हो और आने वाले दिनों में ये बच्चे पूरे देश दुनिया के अंदर नाम कमाए। ऐसी मैं जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और जिनके द्वारा आयोजन किया गया उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं पेश करता हूँ। CGN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।